मैं हूं अभिषेक बारेठ और आप इस वक्त मेरे साथ hamchuk.com पर हैं। 26 फरवरी 2019 को एक 33 साल का नौजवान लड़का एक मंच पर खड़ा था। वो खुद से कम उम्र वाले या हम उम्र नौजवानों को मंच से जीवन में आगे बढ़ने और लक्ष्य पाने का प्रेरक भाषण दे रहा था। उस दिन उसने 3 अहम बातें बताई थी। पहली, असफलता से कभी ना घबराएं, दृढ़ संकल्पी बने। दूसरी बात, छोटे लक्ष्य बनाकर भी पा सकते हैं बड़ा लक्ष्य। तीसरी बात जो उसने कही वो थी, कोचिंग के सहारे न रहे, स्वाध्याय पर ध्यान दें। ये प्रयागराज के उपखंड अधिकारी, जिसे हम छोटा करके SDM भी कहते हैं, ये प्रयागराज के SDM श्याम बाबू का भाषण था। श्याम बाबू उस दिन उस हर युवा के लिए प्रेरणा बन गए थे, क्योंकि वो SDM बनने से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस के एक कांस्टेबल थे, जो अपनी कड़ी मेहनत के बल पर सिपाही की नौकरी छोड़कर अब SDM बन चुके थे। UPSC का नतीजा आने के बाद प्रयागराज पुलिस हेडक्वार्टर में बतौर सिपाही तैनात श्याम बाबू अब बतौर उपखंड अधिकारी प्रशासन की कमान संभालने वाले थे। अब जिन्हें वो सैल्यूट किया करते थे, अब वो श्याम बाबू को सैल्यूट करने वाले थे। कुछ दिनों पहले जिन्हें चंद लोग एक हेड कांस्टेबल के रूप में जानते थे, लेकिन अब वो डिप्टी कलेक्टर बन प्रयागराज ही नहीं बल्कि पूरे UP में प्रतियोगी छात्रों के रोल मॉडल बन गए थे। पुलिस की कठिन नौकरी के बीच उनकी इस कामयाबी की चर्चा उस वक्त हर जुबान पर थी। बलिया के छोटे से गांव इब्राहिमाबाद निवासी 33 साल के श्याम बाबू आर्थिक तौर पर बेहद कमजोर पृष्ठभूमि से आते थे। परिवार की तंगहाली इस कदर थी कि 3 बहनों को स्कूल भेजा नहीं जा सका। 10वीं पास करने के बाद सरकारी नौकरी के लिए हाथ पांव मारने शुरू किए। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और UP पुलिस के हेड कांस्टेबल पद पर वो भर्ती हो गए। हालांकि सिपाही बनने के बाद भी उन्होंने स्वाध्याय जारी रखा। नौकरी से छुट्टी नहीं मिली तब प्राइवेट ही पढ़ाई उन्होंने जारी रखी। 2010 से उनको PCS परीक्षा देने की धुन सवार हुई। दिसंबर 2014 में जब उनकी तैनाती प्रयागराज में हुई तो उनके मन में PCS बनने की ललक जागने लगी। इसके लिए उन्होंने माहौल भी ढूंढ लिया, लेकिन पूरा हौसला अभी आ नहीं पाया था। वो अभी भी प्रमोशन की दौड़ में थे। इसी बीच दारोगा के लिए होने वाले फिजिकल परीक्षा के लिए उनको लखनऊ बुलाया गया। श्याम बाबू के मुताबिक शारीरिक परीक्षा के दौरान जब उन्होंने करीब 20 राउंड पूरे कर लिए, तभी 3-4 राउंड पहले उनके दिमाग में एक सवाल आया। ये सवाल था, अगर उन्होंने ये दौड़ पूरी की तब PCS बनने की दौड़ वो अपने जीवन में कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। एक दिन वो अपनी मेहनत के बल पर एक साधारण सिपाही से डेप्यूटी कलेक्टर बने। इतना सारा मसाला या इससे ज़्यादा मसाला श्याम बाबू के बारे में खूब अखबारों ने हेडलाइन बनाकर छापा था। इंटरव्यू चले थे, मोटिवेशनल स्पीच हुए थे, न जाने और भी क्या क्या हुआ था, लेकिन अब वही श्याम बाबू डिप्टी कलेक्टर के पद से बर्खास्त कर दिए गए हैं, क्योंकि मोटिवेशन की मिसाल बने श्याम बाबू ने PCS बनने के लिए खपला किया था। दरअसल श्याम बाबू ने खुद के जाति प्रमाण पत्र में खुद को गौंड जाति का बताया था और श्याम बाबू ने शेड्यूल ट्राइब का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। श्याम बाबू की ज्वाइनिंग के बाद मूल आदिवासी जनजाति कल्याण संस्था गोरखपुर के अध्यक्ष विजय बहादुर चौधरी ने श्याम बाबू के खिलाफ एक जांच खोल दी। मामले के संबंध में कमिश्नर की अध्यक्षता में मार्च 2020 में एक बैठक हुई। इसमें बलिया के CRO प्रवरशील बरनवाल, उपनिदेशक पंचायत राम जियावन व समाज कल्याण के उपनिदेशक सुरेश चंद्र के साथ ही अपीलकर्ता और खुद श्याम बाबू भी मौजूद थे। यहाँ शिकायतकर्ता ने कहा कि श्याम बाबू का ST का प्रमाण पत्र हेराफेरी पर आधारित है। इस पर जब जांच हुई तो तहसीलदार ने जांच के आधार पर श्याम बाबू को ST वर्ग का कैंडिडेट नहीं माना। मामला संवेदनशील हो गया और आगे कहा गया कि हाईकोर्ट में दायर याचिका के जवाब में बलिया के कलेक्टर व तहसीलदार की ओर से पत्र जारी करके बताया गया है कि बलिया में श्याम बाबू की गोंड जनजाति नहीं पाई जाती, जिसके आधार पर उन्होंने ST के सर्टिफिकेट से ये नौकरी पाई। फिर आगे नवंबर 2017 को मंडलीय अपीलीय फॉर्म के अनुसार भी गोंड जनजाति केवल उनके लिए है जो कैमूर अथवा झांसी मंडल से विस्थापित होकर आए हैं।
न कि बलिया में पहले से निवास कर रहे हैं। यहाँ पर यह पाया गया कि SDM श्याम बाबू विस्थापित नहीं हैं और उनके पूर्वज यहीं से ताल्लुक रखते थे। याचिकाकर्ता ने उपखंड और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जारी हुई रिपोर्ट का जिक्र करते हुए श्याम बाबू के ST प्रमाण पत्र को फर्जी करार दिया। अपीलीय फॉर्म ने स्थलीय जांच के आदेश सुनाए और इसके अलावा श्याम बाबू के गांव के अलग अलग लोगों का बयान लिया गया। यहाँ बयानों से साबित हुआ कि श्याम बाबू और उनके पूर्वज कई पीढ़ियों से इब्राहिमाबाद में ही रहते रहे हैं, वो किसी दूसरे ज़िले से विस्थापित होकर नहीं आए हैं। जबकि नियम ये है कि मिर्ज़ापुर, जो अब सोनभद्र कहलाता है, उसके कैमूर माला क्षेत्र को छोड़कर उत्तर प्रदेश में गोंड समुदाय के लोग नहीं रहते हैं। जांच में ये भी पता चला कि श्याम बाबू के पूर्वजों का पेशा खेती किसानी के अलावा भुजा भूजने का है। भुजा भूजने का काम करने वाले लोग भड़बूजा कहे जाते हैं, जिनका गोंड जाति से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये पिछड़ी जाति में शुमार है। मंडलीय अपीलीय फॉर्म द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्णय के आधार पर अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंघल ने अपने आदेश में कहा कि जिस आधार पर श्याम बाबू का चयन PCS परीक्षा में हुआ था, वो आधार ही दूषित, कपटपूर्ण और फॉर्जरी पर आधारित, लिहाजा लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा श्याम बाबू की SDM जो कि परिवीक्षाधीन के पद पर थे। खैर, आपको कैसी लगी ये खबर, जो दो तरीके से आपके जीवन में मायने रखती हैं, किसी का बड़ा बन जाना और फिर उस ऊंचाई से नीचे गिर जाना। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें बता सकते हैं। साथ ही आपको एक काम और भी करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में शेयर कर सकते हैं। अगली खबर आपको सुनाने फिर आएंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।